ये हमारे पास बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। ये बिल्ला जो है कुछ दिन पहले गया बाहर मेटिंग करने और वहाँ से वापस आया तो ओनर की कंप्लेंट ये थी कि यूरिन पास नहीं कर रहा, कतरा कतरा कर रहा है, जोर लगा रहा है बट यूरिन आ नहीं रहा इसको। जब हमने इसका अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया तो हमें बहुत सारे क्रिस्टल्स फील हुए, तो हमने उसकी एमरजेंसी बेस पे, क्योंकि 2 दिन से इसमें यूरिन नहीं किया हुआ था और जोर लगा रहा था तो ब्लैडर फटने के चांसेस थे, तो जिसकी वजह से हमने इसका अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया तो उसमें काफ़ी सारे जो क्रिस्टल्स थे, जब हमने इसका वॉश किया तो इसका जो ब्लैडर है वो फुल ऑफ क्रिस्टल्स है। इतने ज़्यादा क्रिस्टल्स हैं कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सके, ऐसे लग रहा है जैसे रेत है जो निकल रही है। ये जो कैट है ये फ्लफी कैट फूड जो है अभी खा रहे हैं, ओनर जो है बाहर डाल देते हैं, तो ये फूड जो होती हैं जो लो क्वालिटी फूड होती है जिनमें मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो इस तरह के मसले करते हैं। जैसे हम मेहू के बारे में पहले हम काफ़ी बार बोल चुके हैं कि मेहू जो फूड है वो इस तरह के मसले कॉज करती है, तो जो फ्लफी कैट फूड है वो खाने के बाद भी इस तरह के जो कंप्लेंट है वो टॉम्स के अंदर आ रही है, तो कोशिश करें टॉम्स को स्पेशली जो है हाई क्वालिटी डाइट के ऊपर डालें और ऐसी फूड जो कि उनकी किडनीज और ब्लैडर के लिए बेहतर हो। अब अगर ये हम इसकी रेत जो है या इसके क्रिस्टल्स हैं रिमूव नहीं करेंगे तो ये अंदर जो है यूरिन ब्लॉक हो जाता है इनका और ब्लैडर फटने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो टॉम है वो लिटर में जा रहा है यूज़ नहीं कर रहा, तो उसको एज सून एज पॉसिबल उसका अल्ट्रासाउंड एक्सरे करवा के डिफाइन करें मसला क्या है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू।